इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें हरभजन सिंह सिटी इंजीनियर द्वारा हनी ट्रैप मामले पर मीडिया ट्रायल पर रोक लगाए जाने की मांग पर बहस हुई। इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें हरभजन सिंह सिटी इंजीनियर द्वारा हनी ट्रैप मामले पर मीडिया ट्रायल पर रोक लगाए जाने की मांग पर बहस हुई। दूसरा आवेदन कोर्ट की अवमानना से जुड़ा था, जिसमें एसआईटी सदस्य बदलने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेना जरूरी थी, लेकिन पलासिया थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया को बदलकर विनोद दीक्षित को चार्ज सौंपने पर बहस हुई। जो एक याचिका भारत सरकार की ओर से ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से पेश की गई थी, उनकी निवेदन ये था कि एसआईटी से हनी ट्रैप से संबंधित अधिकारियों की और आरोपियों के ने जो धन लिया या दिया है उसकी पूरी जानकारी, लिए गए बयान, जितने 90 जो डिस्क थे, जितने वीडियो क्लिपिंग्स थे, पेन ड्राइव्स थी, ये सब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे एसआईटी ने देने से इनकार कर दिया। तो उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई, हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से तो ये कहा कि ये देना पड़ेगा, परंतु आदेश के लिए लंबी थे, आदेश आने के बाद ये हुआ। दोनों ही मामलों में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हनी ट्रैप से जुड़े मामले में एक और नया मामला प्रकाश में आया है। इसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर हनी ट्रैप से जुड़े मामले में समस्त दस्तावेजों की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, इंदौर।